सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जिके असान के चॉइस जिका वो हिता ही मिलियो, असान के चंगाई प्रोफाइल्स मोकलियो जिमा असान चॉइस करी सकियासी और थोड़ी समय में असाई बेबी जी माना मंगई थी तो वो रिश्तो.com जी कर ही थियो न त असान इतरो जल्दी न करे सके। रिश्तो.com सिंधियों जो सिंधियों सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। परसों भी रात को सत्संग कीर्तन चल रहा था, हमारे ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो भी रात को इन्होंने 112 के कंप्लेंट करके और पुलिस मंगाया, हमारे के सत्संग के कीर्तन को कम किया, वेरीफाई किए बिना मेरे से बगैर पूछे, जबकि मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करके आया हूँ, वो मेरी कंप्लेंट दबा दी गई है, फाइलों के अंदर से गुम हो गई है, फाइलों के अंदर जबरदस्ती मेरे पीछे आके इन्होंने रेड मार्क मारा कि ये वायलेशन है। अभी ये प्रसाद वितरण कक्ष वायलेशन है, बिल्डिंग आप देखो कितना बड़ा गैप है यहाँ से, ये कोई रोड रस्ते में आता है, बिल्डिंग के बीचों बीच बाथरूम बना है, प्रधानमंत्री जो शौचालय बना के देते हैं इन्होंने शौचालय तोड़ा है, मेरे मना करने के बाद विनंती करने के बाद इन्होंने शौचालय तोड़ा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, दादागिरी का विषय है। इन दृश्यों में आपने देखा कि उल्लासनगर महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग एक इमारत में तोड़ू कार्यवाही कर रहा है, जिसे लेकर इमारत में कुछ हंगामा भी शुरू है। यह तोड़ू कार्यवाही उल्लासनगर कैंप 3 शिव कॉलोनी में 4 मंजिला निधिवन नामक इमारत में बने अवैध शौचालय को उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से तोड़ा जा रहा है। इसी इमारत के तीसरे मंजिले पर पिछले 10 वर्षों से रहने वाले उमेश नानिकराम वद्रिया ने इसकी शिकायत की थी, जिसे लेकर आज उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से यह तोड़ू कार्यवाही की गई है। तो मैंने इनसे पूछा, उनसे पूछा, और आपको पता ही नहीं क्यों आज 10 साल इधर हम लोग रह चुके हैं, पेपर्स पेन के भी हमारे भी हमने लिया है दिया, तो 10 साल से कभी हम लोगों ने अपॉइंट छुट्टो थी तोड़ का अपॉइंटमेंट नहीं किया, आज इन्होंने प्राइवेट बाउंसर रखा है, क्यों हमारे ऊपर, मैं दुकान जाता हूँ लेडीज आती जाती है, वो बाउंसर हमको बचा कर थोड़ी थोड़ी बात क्यों रखा है बाउंसर, वो बताओ, एक सवाल क्यों रखा है सर, हमको डर लगता है ना, पहले दिन इनके लिए बाउंसर क्यों बोल रहे हैं, आपकी बात करो, मुझे बताओ मीटर मेरा बैटरी का कनेक्शन मेरा कॉमन कैसे हो गया सर, सेकंड थिंग वो मीटर प्लान में लिखा है, उसको हर साल मीटर में पानी बाथरूम पेंट्री और पेंट्री हाँ बाथरूम बाथरूम सर, मैं 3 माले पे उमेश नानिकराम वद्रिया हूँ, मैं 10 साल से रह रहा हूँ, ये बिल्डर का तानाशाही इतना भरेला है, मैं 10 साल का 10 दिन में बता नहीं सकूंगा, आप पार्किंग में बाथरूम में नहीं जाओ, पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ा करो, यहाँ पर हमारी कार है नहीं खड़ा करो, बाहर खड़ा करो, हालांकि हमारी ये सब प्रॉपर्टी में इंक्लूडिंग है, हमारी ये पूरी स्टील पार्किंग है, इन्होंने दराजा लगा के हमको बाथरूम करने नहीं देने जाता, उधर मीटर हुआ उसको अपना किचन बना के दराजा बंद कर दिया, तो हमने कंप्लेंट की कुमार रेलानी साहब को, जमनू को, यहाँ तक है मधुसूदन बाबू जी को बोला, उनके साथ ये बातचीत चालू है, लेकिन वो किसी के अभी सुनता नहीं है, तो मैंने को आकर कंप्लेंट करना पड़ा, घर की बात है लेकिन मुझे मजबूरी से कंप्लेंट करना पड़ा। कई सारे आरोप लगाए आपके ऊपर, अच्छा,
आपको लॉकडाउन में कुछ पैसा दिया था वो मांग रहे, इसके लिए आपने कार्रवाई कर रहे राजेश वगैरह जी को साथ में लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर जी? आप अभी का अभी कुमार रेलानी साहब को फोन करो कि मेरा मैटर इनके पास, वो बोलते समझाएंगे, लेके देंगे आपका हक दे के दे। अभी भी मैंने आपके सामने इनको क्या बोला पुलिस को कि हमको हक चाहिए, ये इधर वो भी अभी वहाँ पर बाबू जी है ना मधुसूदन, उन्होंने बोला मेरे को दिला सर हम बैठेंगे इनके साथ, लेकिन 1.5-2 महीने से उनका बैठना हो नहीं रहा है। ये सर पहली बात तो नहीं नहीं, ये पैसा मेरा निकल रहा है, अभी आप भी बोलोगे ऐसा थोड़े ना होता, मेरे साथी है पेपर से सब है, उन्होंने मैंने एमाली कुमार एलानी को बताया, मधुसूदन बाबू को, जमनू पुरसानी का, आखिर मेरे भाई को भी बताया कि मेरे से ये नानसाब हुई है, मेरा पैसा लेके देता नहीं है 4 साल से। उन्होंने ये भी कहा कि आपका भगवान का मंदिर है उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे वगैरह सर, ये हथौड़ा जो लग रहा है उसका कारण यही है क्योंकि अत्याचार हो रहा है हमारे पास। अभी आप बोलते हो ना, मैं अभी ये देखा मंदिर में कैसा डिस्को डांस होता है। तो मनोज गजवानी जो है, जिस जो डेवलपर है जिसने ये बिल्डिंग बनाया है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे वो रहता है, हमको लास्ट 10 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, इधर मत जाओ वो मत जाओ, हमारी कॉमन CCTVs भी निकाल के अपने घर पे रख दी है और अपनी पल्सर CCTV लगाई है और हमको जान से मारने की धमकियां तक दे चुका है और बोलते हैं मेरे को आधे भाव में अपना फ्लैट बेच के ऐसे निकल जाओ वरना तुम लोग को घर से उठवाऊंगा। हमने इसके खिलाफ कम से कम 5 से 6 NCs भी की है, पर ये हर जगह पे क्या बोलते हैं, मैं सबको जेब में लेके घूमता हूँ, कानून हो या म्युनिसिपल वाले हो, मैं सबको जेब में लेके घूमता हूँ, इसने इतना टॉर्चर किया है हमको। आराम आराम बोलो, ये हमारी वाइफ है जो मेरे पीछे ये घर की देखरेख करती है। बोलो दादी क्या? इन्होंने 5 मिनट बोला हम अन्नी खटे का, बोला 5 मिनट रखो हम लोग आपको, फिर भी इसने टोना छोड़ कर आज हमारे सत्संग है, बड़े लोग इधर के बाथरूम करते, अभी कैसे आएगा, आज सत्संग है हमारे घर में शाम को 7:30 से 9 बजे तक, अभी कैसे बुढ़े लोग आगे बाथरूम में जाएंगे, मैं आपको बताओ अभी आप। यहाँ हम लोग इस समाज में भगवत गीता और भागवत महापुराण का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उसमें इतना बड़ा विक्षेप आज के बड़े दिन पे इन्होंने किया है, प्रकृति इनके ऊपर कितना प्रकोप लाएगी वो ये नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का ये कहना है कि जिसने जैसा बीज बोया है वैसा छोड़ नहीं, राधिका गजवानी, मनोज गजवानी साहब, ये एक मैं आपके माध्यम से पूरे उल्लासनगर को ये विशेष बात बताना चाहता हूँ कि ये घर परिवार का मामला था हमारे तीसरे माले में, यहाँ देखेंगे नाम उमेश वद्रिया रहता है जो राजेश वद्रिया का भाई है, इन्होंने मेरे से कुछ पैसों का व्यवहार किया था, अब वो पैसा नहीं देने की वजह से उन्होंने मुझे धमकी दे डाली कि आप जो चाहिए करो हम पैसे नहीं देंगे, अगर आपने किधर भी कंप्लेंट किया तो हम आपके घर के ऊपर हथौड़ा उठाएंगे। और ये बात मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि ये 15 साल पुराना स्ट्रक्चर है, 2010 का बना हुआ है, 2010 में हमने इसका कंप्लीशन के लिए अर्जी किया था और वो जाके हमको प्राप्त हुआ है, प्लिंथ कमेंसमेंट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सारे हमारे पास हैं, कोई इसमें विषय नहीं है। और ये बाथरूम है, बाथरूम को तोड़ने का कोई हक नहीं, ये FSI में काउंट नहीं होता है, बाथरूम है या किचन है प्रसाद वितरण, ये FSI में काउंट नहीं होता है, ये मैंने अनिल साहब को भी क्लियरली बताया, अनिल खतुरानी साहब को, कि भाई ये नहीं है। और हमारे पीठ पीछे आके इन्होंने जबरदस्ती ताले खुलवा के यहाँ पे लाल कलर की चौकड़ी मारी है, वो बापू सुनौने करके कोई आया था तो उन्होंने बोला हमको ऊपर से बोला है, टीपी को पूछा तो बोलते हमको राजेश वद्रिया ने बोला है कि इसका कुछ वायलेशन निकालो और ये तोड़ो, और ये तोड़ो इसका। और आज भी यही बात हुई थी, जब ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी तभी तत्क्षण मैंने इनको बोला कि साहब आ रहे हैं, आयुक्त को भी लेके आ रहे हैं आप मेरे को एक दस, बोला नहीं नहीं हमको ऑर्डर है तोड़ने का है और हम पुलिस बंदोबस्त लेके आए और तोड़ना ही पड़ेगा। उनका फोन आया था कि नहीं आप पूछ लीजिए सामने खड़े। यहाँ पर आपने क्यों बनाया था? बाथरूम वरिष्ठ लोगों के लिए बनाया है, जो लोग चल नहीं सकते हैं, जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं और जो लोग घर में नहीं जा सकते हैं और उनको बाथरूम की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बनाया गया है। ये उन क्यों आते हैं आपके यहाँ पर वरिष्ठ लोग? ये हमारे यहाँ 15 साल से, हमारे आने के पहले यह हमारे राधा कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, उस मंदिर के विषय में ये बाथरूम बना है कि जो वरिष्ठ हैं 70-80 साल के या जो नहीं आ सकते हैं या जो बच्चे हैं जिनको बाथरूम रुका ही नहीं जा सकती है, ये उनके लिए बनाया था कि भाई चलो आप सत्संग के बीच में उठ के यहाँ बाथरूम में आ सकते हो। और ये दोनों रमेश वलेसा और ये इन्होंने मुझे 5-5 लाख की फिरौती मांगी है इस बात के लिए, और ये बहुत शातिर है दोनों, कभी घर में बात नहीं करते, CCTV के नीचे
मैं अभी आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूँ जो कुमार लाल को मां बहन पे गालियां दे रहे हैं। आपने जो ये आरोप लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल की है, मैंने कंप्लेंट की है, शिकायत की है, लेकिन पुलिस को चाहिए एविडेंस, और एविडेंस ये छोड़ते नहीं है। ये हमको इधर बाहर आजू बाजू मंगा के, अभी तो मेरे पास साक्षी भी हैं उसके, क्योंकि मेरी क्या मांग थी कि आपने 5 साल से बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं भरा है। दैट इज एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि घर घर शौचालय होना चाहिए, होना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी के एक लीडर बोल रहे हैं कि ये इधर तोड़ो नहीं, तोड़ दिया है इन्होंने, जानबूझ के तोड़ दिया है, और मैं इसका सारा श्रेय अनिल खतुरानी को दूंगा और इनके निलंबन की मांग करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मैच रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।